नीतीश बाबू, यह दहाड़ती हुई महिला कौन है? यह आक्रोश में दिखने वाली महिला कौन है? रोष में आवाज निकालने वाली यह महिला कौन है? जान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को हाय हाय कहने वाली यह महिला कौन है? चलिए आइए जानते हैं गर्दनीबाग में सड़कों पर क्यों यह महिला चीखते हुए पूरे समूह के साथ आगे बढ़ रही है। दरअसल पटना में विगत 14 दिनों से गर्दनीबाग में एएनएम संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है, यह हम जानने की प्रयास करते हैं। दरअसल राजधानी पटना के गर्दनीबाग वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत एएनएम को बिना परीक्षा लिए हुए काउंसलिंग कराते हुए अस्थायी नियुक्त करने की मांग को लेकर आज 14वें दिन भी गर्दनीबाग में डटी रही एएनएम संघ। संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा के द्वारा लगातार 14 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। विगत दिनों गर्दनीबाग पटना में तकनीकी चयन आयोग द्वारा निकाले गए संशोधित आदेश को जलाकर एएनएम ने अपने गुस्से का इजहार किया, नारेबाजी की। पूरे समूह में सभी महिला कर्मचारी आगे की ओर बढ़ते हुए झल्लाते हुए आक्रोश प्रदर्शन करते हुए गुस्से को इजहार किया। रोष में दिख रही यह एएनएम सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अब आपने सुन तो लिया ही होगा, ये तो अभी अंगराई है, आगे बहुत लड़ाई है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि किस लड़ाई के बारे में बात कह रही है। अब लड़ाई आप चुनाव से समझ लीजिए या फिर इन महिलाओं की नियुक्ति को लेकर। अभी हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया है। यह महिला संगठित हो चुकी है, महिला सशक्त हो चुकी है। निर्णय आपको लेना है कि करना क्या है। एक और क्लिप सुनिए क्या कह रही है महिला कर्मी। धमकियां भरी फोन आई है। धमकियां दिया गया है? क्या धमकियां दिया गया? धमकी दिया गया है कि आप लोग कार्य पर वापस चले जाइए, नहीं तो आप लोग चयन मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखिए फोन कॉल पे इनको धमकियां तक मिलने लगी है। आखिर क्यों अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है? स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के एक रीढ़ मानी जाती है इन्हें और सभी को सुरक्षित स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। हर पंचायत, ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में जाकर लोगों को टीका देने का काम करती है, न जाने कई अन्य तरह के भी काम करती है। वही एएनएम है जिनको की फोन कॉल से धमकियां भरी कॉलिंग आ रही है। अब सुनिए इनकी बातों को। अब क्या लगता है कि क्या यह धमकियां सुनते रहे या सड़कों पे इसी तरह कायम रहे? फिर से सुन लीजिए इस क्लिप को। धमकियां भरी फोन आई है। धमकियां दिया गया है? क्या धमकियां दिया गया? धमकी दिया गया है कि आप लोग कार्य पर वापस चले जाइए, नहीं तो आप लोग चयन मुक्त कर दिया जाएगा। महिला एएनएम संविदा कर्मी का कहना है वर्ष 2018 में एएनएम नियमावली गठित होने के पश्चात हजारों नियुक्तियां हुई है तथा उसी नियमावली के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से 10,709 पदों पर एएनएम की वैकेंसी निकाली गई और उस आवेदन का स्क्रूटनी भी कर लिया गया तथा अभ्यर्थियों से सूची प्रकाशित कर आपत्ति भी मांगे गए। लेकिन अचानक राज्य सरकार द्वारा मई 2023 में वर्ष 2018 से गठित पूर्व की नियमावली को रद्द कर नई नियमावली वर्ष 2023 गठित कर दिया गया और इस आधार पर बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा विगत दिनों एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस तरह नई नियमावली के अनुसार परीक्षा लेना और साथ ही पुराने वैकेंसी में ही नए लोगों से पुनः आवेदन लेने का और नए लोगों को अवसर देने की बात करना वर्षों से कार्यरत एएनएम के साथ अन्याय है। इसमें आपने देखा होगा कई ऐसी महिला एएनएम है
जिन्होंने अपनी उम्र सीमा का 70-80% तक की जीवन नौकरी में दे दिया है। अब वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है के साथ आगे हम लोग की जरा लड़ाई जारी रहेगी? इस तरह का जो धमकी मिल रहा है, इस तरह सरकार को क्या कहना है आपको? बिल्कुल सर, ये इस तरह की जो धमकियां हम लोग की दे जा रही है, अब हमारे विभिन्न जगहों से पदाधिकारी फोन करते हैं कि आप लोग कार्य पर वापस चले आइए, नहीं तो आप लोग को चयन मुक्त अलग अलग जगह से आपको कॉल आता है क्या? हम लोग अलग अलग सभी हमारी बहने हैं और सभी को धमकियां भरी फोन आ रही है। कुछ हमारी बहने कार्य पर वापस चली गई है, फिर दोबारा से आज आ गई। सरकार से क्या आशा अपेक्षा लग रहा है? सरकार से आशा क्या लगेगी, सरकार की तो दोहरी नीति है और हम लोग को बरगलाया जा रहा है। हम लोग झांसे में आने वाले नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी को क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तो वैकेंसी भी नहीं निकाली थी, ये तो हमारी वैकेंसी मंगल पांडे जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने ही निकाली थी। सिर्फ इनको काउंसलिंग कराकर नियुक्ति लेनी थी, बट ऐसा तो इसने किया नहीं और ऊपर से हम लोगों ने एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम लोग बार बार एग्जाम क्यों देंगे? एग्जाम क्यों देंगे? बार बार हम लोग एग्जाम ऑलरेडी हम लोग एग्जाम देकर आए हैं, तो जब ऑलरेडी जब हम एग्जाम देकर आए हैं तो एग्जाम देने की बात कहाँ है? आपको तो सिर्फ कमेंट करता है आपका न्यूज में बहुत सा लोग कि ये लोग पैसा देके बहाली कर लिए, क्या कहेंगे लोग? बिल्कुल सरकार के कहीं ना कहीं इसमें नीति है, उनकी नीयत खराब है और अपना चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हम लोग अब लड़ाई में उतरे हैं तो हम लोग अगर मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और थे और रहेंगे। और अभी तो 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है, तो आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल हम लोग बहिष्कार करेंगे, जैसे गद्दी पर बैठा है उसे उनको गद्दी पर उतारेंगे, गद्दी से उतारेंगे, क्योंकि हम ही लोग उनको गद्दी पर बैठा है। महागठबंधन तो मजबूत हो रहा है। मजबूत क्या हो रहा है? आज हमारे महिलाओं में आक्रोश की भावना है, चुप बैठी थी हमारी बहनें, तो चुप बैठी थी क्योंकि उनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा था कि देखो बहनों तुम लोग को टेबल कुर्सी का प्रबंध कर दिया गया है या लोन बुक कर दिया गया है तुम लोग के लिए। अब आए दिन महिलाओं के आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं और फिर भी आप लोग बिल्कुल वो दिखावा है, वो उनका दिखावा है, चुनावी झूला है, धरातल पर ऐसा कुछ, धरातल पर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ क्या नाम है? शोषण है। मैं अर्चना कुमारी, बिहार राज्य की महासचिव। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, बिहार सरकार की यह रवैया या फिर बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा निकाले गए नए लेटर संशोधित विज्ञापन का क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे की वीडियो आप आसानी से देख पाए। धन्यवाद।